वेलकम टू मारो फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया टीचर इशू करते हैं। तो फटाफट मैं अपना पटापट करता हूँ, बाद में देखता हूँ सब कुछ। सबसे पहले डेडपूल का एपिक कास्ट कंप्लीट करूँगा आज के आज, कोशिश करता हूँ हो जाए, जल्दी से हो जा। माना कि थोड़ा लेट हूँ लेकिन हूँ ज़रूर, देर लगेगी लेकिन सक्सेस ज़रूर हासिल कर लूँगा। कहाँ गई ये रही। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि काम आएगा बाद में थंबनेल बनाने के। चलो अच्छा हुआ मैंने सबसे पहले आई एम बराबर डेडपूल का एपिक कास्ट का देख लिया, वरना अगर कुछ भी स्टेज खेलता तो लॉस हो जाता। चलो टाइम लैप मैटर खेलना है 10 टाइम्स, जितने हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन लड़ना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम पूरा बंद कर देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं अपना स्पीक कर सकूँ। चलो टाइम लैप मैटर 10 टाइम्स करना है, इसके साथ साथ मैच वीक हो जाएगा। ओके सबसे पहले कैप्टन है, बाद में यह है, क्विक सिल्वर है। अभी मेरी सबसे ज़्यादा डर है मेरा यह है कि क्विक सिल्वर से मेरे बहुत बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि क्विक सिल्वर ऐसा एक कैरेक्टर है जो कैप्टन को ना मार सकता है और ना कैप्टन उसको मार पा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को टक्कर देते 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 बहुत सारा टाइम, जो टाइम लैप मैटर में टाइम मिलता है 5 मिनट 2 मिनट जितना भी है 5 मिनट में है, तो वो टाइम निकल जाता है, तो उसमें जीतने के चांसेस कम और हारने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर समझो क्विक सिल्वर ने समझो एग्जांपल अभी थोड़ा एक मिनट हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर सिल्वर ने समझो कैप्टन सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे, तो उसके पहले जो कैरेक्टर है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज है, स्पाइडरमैन है और दो तीन ऐसे कैरेक्टर है, बकी है, उसके बाद में थानोस है, तो ऐसे कैरेक्टर को क्विक सिल्वर ने समझो डिफीट कर दिया, बचा हमारा कैप्टन। अब कैप्टन समझो नहीं हरा पा रहे। एग्जाम्पल समझने के लिए समझो फीलिंग पे जाओ, लॉजिक पे मत जाओ, फीलिंग पे जाओ, तो समझो कैप्टन भी हरा नहीं पा रहा है, तो ऐसे में मैच ड्रॉ होने के चांसेस है, क्योंकि अगर क्विक सिल्वर अपोनेंट के इसमें समझो 1 रैंक पे है, यानी सबसे पहले आए अटैक के लिए आ गया, लड़ने के लिए आ गया सबसे पहले, तो उस टाइम पे उसके 2 कैरेक्टर बचे और समझो हमारे 2 कैरेक्टर मारे गए और 1 कैरेक्टर यानी हमारा कैप्टन उसके साथ फाइट कर रहा है समझो, तो फिर हमारे जीतने के चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं। अगर समझो टाइम ख़त्म हो गया तो फिर वो जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास बचेंगे 2 टीम और हमारे पास 0, तो इसलिए बहुत मुश्किल है फाइट करना। मैंने कल की फाइट लड़ा था मैं टाइम लैप बैटल में, तो थैनोस जितना ज़्यादा पावरफुल था उसने मेरे फोनिक्स को मार दिया,
साथ में इसको भी मार ही रहा था, कैप्टन को लगभग मार ही दिया था, लेकिन कैप्टन का हीलिंग फैक्टर के वजह से बच गया और बकी ने फिर सिक्स नंबर स्किल नंबर सिक्स के वजह से थोड़ा बहुत बचते बचाते जीत गया मैच, वरना पक्का में पिटने वाला था। चलो फाइट लड़ता हूँ, देखते क्या आता है। वैसे मेरे को स्पाइडरमैन चूज़ करना चाहिए था थानोस के अगेंस्ट, ताकि वेब में फंसा कर मारा जाए और ज़्यादा कुछ भाग ना सके थानोस इधर उधर। लेकिन फोनिक्स यूज़ किया तो फोनिक्स ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर बैन हुई तो फिर स्पाइडरमैन यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं मेरे पास। बाद में भी बचा भी कैप्टन, कैप्टन सही समय पर हिल करके तो बच गया, वरना गया वो भी। अब केरल में जो बाढ़ आई है, जो भी आपके तरफ से जो भी बनता हो उसके लिए हेल्प करो। मेरी तरफ से मैं जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूँगा, आप सब भी जितना हो सके उतना कोशिश करो। थैंक यू। उसके बाद मैं वापस से टॉपिक पे आता हूँ। टाइम बेटर 10 times लड़ना है, अब जितने हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लड़ना है 10 times कैसे भी करके। और एक चीज़ ध्यान रखना, मोबाइल हैंग नहीं होना चाहिए, अगर हैंग हो गया तो फिर 1 day आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जितना ज़रूरी है, हारना ज़रूरी है लेकिन खेलना भी ज़रूरी है। यहाँ पर वास पे डेबफ दे रही है, कैप्टन बच जाएगा और क्विक सेलर को पावर मिल जाएंगी चेंज। यहाँ पर स्पाइडरमैन है, क्विक सेलर है चेंज, थानोस फिर से, क्विक सेलर फिर से, फिर से फिर से फिर से। मैं थॉर को मामूली समझ रहा था, लेकिन थॉर मामूली नहीं है। थॉर ने लगभग मेरे फोनिक्स को 1 time जो है, फोनिक्स जो है वो 2 बार आ सकती है, मतलब एक बार मर गया फिर दूसरी बार आ सकती है, उसके बाद वो मर गई समझो। तो उस टाइम पे समझो अभी बात को, एक मिनट मैं फाइट लड़ता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। ये होते रहता है, फोनिक्स बराबर मरती रहती है, जिंदा होती रहती है, लोच का ही है। तो थॉर ने फिर मेरे फोनिक्स को ऐसे ही मार दिया था, ऐसे ही सेम सेम सेम। गया ये भी गया, अब तू ही बचा गया मुझे। बचा जा। स्किल नंबर 5 अटैक जल्दी। चलो जीत गया, अगर फोनिक्स खुल जाती या फिर उसके ऊपर से फेयर इफेक्ट निकल जाता तो मेरी तो पक्की बैंड बजने वाली थी। तो ऐसे ही सेम जब अभी जैसे मैंने फाइट में दिखाया, थॉर ने मेरे फोनिक्स को मार दिया। तो थॉर कोई मामूली प्लेयर नहीं है, उसका सूट यूनिफॉर्म में बाय करने वाला। एक मिनट, यूनिफॉर्म में ले लूँगा लेकिन बाद में, अभी नहीं। अभी फ़िलहाल तो मैं अपने टीम पे ध्यान देता हूँ, फाइट करना है कैसे भी करके, एपिक कास्ट कंप्लीट करना है। यहाँ पर नॉर्मल टीम है, नॉर्मल टीम है। Tier 3 इसमें से सिर्फ कैप्टन है, डॉज आ गया होगा। चलो देखते हैं क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे इस पे वेब नहीं है तो मेरी बैंड बच जाएंगी। अब मेरे कैप्टन पे वेव नहीं है तो हो सकता है कि मेरी बैंड बच जाए। सुबह से भाई बहुत चेकिंग कर रहा हूँ, कौन रे
भाई चेक जग्गू जग्गू, ओके जग्गू जग्गू, चेक चेक। और कितनी लोगों को आईडी देना है दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। गलत फहमी मत पड़ना, अरे मन फोन इसको नहीं मार सकता। कैप्टन मार सकता है, लेकिन अगर फोनिक्स के स्किल्स सही जगह पे, सही टाइम पे, सही जगह पे यूज नहीं हुए तो कैप्टन फोनिक्स को मार सकता है। अदरवाइज कैप्टन का जितना मुश्किल नहीं है। एनर्जी अटैक, क्विक सिल्वर, थर्ड टाइम इसका बैरियर होगा। इस बार भी एक चीज़ यहाँ पर बोल देता हूँ कि डॉक्टर से जो फोनिक्स में अगर कंपैरिजन करें तो दोनों लगभग सेम पावर के हो गए हैं। कुछ फाइट देखा मैंने, लड़ा मैंने, फाइट किया, तो दोनों में लगभग सेम है, क्वालिटी है, ज़्यादा फर्क है नहीं। बस एक मिनट, मैंने कुछ गलत बोल दिया। दोनों की पावर अलग लेवल अलग अलग है माना, लेकिन अगर दोनों के एक दूसरे के सामने फाइट होती है तो मैक्सिमम डॉक्टर स्ट्रेंज जीत रहा है, मैक्सिमम। फोनिक्स के थोड़ा सा एक बार मर जाती है, उसके बाद में फिर जिंदा होकर फिर से अटैक करती है, तो उसमें फोनिक्स जीत जाती है, लेकिन उसके पहले सिंगल अटैक में फोनिक्स में डिफीट होती है ईजीली। मेरे नहीं, मैं दो तीन मैच देखा तो वहां पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसको देख के बोल रहा हूँ। क्विक सिल्वर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो ये भी लड़ लूंगा, क्या होगा, ज्यादा थॉर टायर 3 है, और देखते अभी कैसे कैसे पाला पड़ने वाला है। थॉर जितना ज़्यादा सोचा उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। मैंने सोचा कि थॉर का जैसे गेम मूवी में सूट का है, उसका अटैक है, उसका अटैकिंग करने का, और उसके बाद में जो भी उसके दिखाया मूवी में, उस हिसाब से थॉर को कई गुना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैंने इसका थॉर का ये स्टाइल देखा तो मैं तो छक्के छोड़ गए मेरे। चल चल अटैक कर, थानोस को अटैक से बच जाओ, कैसे भी करके थानोस बचना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। सच में थॉर कमाल का है, देख सकते हैं कैसे मेरे सामने टिक रहा था वो, कमाल है थॉर। बस थॉर को सही सीटी भी मिल जाए तो एक नंबर का कमाल स्कोर कर सकता है। स्कोर की छोड़ो, टेबल में टेबल बहुत ज़बरदस्त तरीके से टिक सकता है, और लंबे समय के लिए फोनिक्स को भी हरा सकता है वो, अगर सही चीज़ मिल जाए तो। चलो पास टाइम तो हो गया, अभी नेक्स्ट ये भी लड़ना पड़ेगा। चलो लड़ लेते, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या है, जग्गू जग्गू, जब भी दोपहर में वीडियो सॉरी शाम को वीडियो अपलोड किया तो बहुत से लोगों के आईडी भेजे लोगों ने, तो वो भी मैं नोट कर लेता हूँ, और कल दोपहर तक मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट मैं बना लूँ वीडियो।
आप लोगों ने अगर दूसरे चैनल को जो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो वो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लो। और वहाँ पर आई फ्रेम मतलब क्या है, और दो तीन वीडियो वहाँ पर अभी भी एक दो दिन के बीच में अपलोड हुई है, तो वो वीडियो जाकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसी चीज़ काम करती है, आई फ्रेम क्या है, कैसे काम करती है, इसको कैसे हटाया जाए और अब किस किस कैरेक्टर में ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो जाओ और जाकर वो वीडियो देख लो। चैनल का नाम है देवशिष्ट, ऐसा कुछ नाम है, मैंने बताया था, अभी ठीक से याद नहीं है, और हो सकता है मेरा बोलने का जो प्रोनाउंस है वो थोड़ा सा गलत हो गया हो, तो थोड़ा सा जाकर चेक कर लो। लंबा समय जाएगा, 20 मिनट है मेरे पास, 20 मिनट के अंदर जितना हो सके उतना कवर करता हूँ अभी। जैसे कि सब आपने देखा, डॉक्टर सेन ने आते ही बराबर फोनिक्स को सिर्फ कैसे धूल चटा दी, तो उसी तरीके से मैं बोल रहा था कि अगर दोनों में कंपेयर करें तो डॉक्टर सेन थोड़ा पावरफुल लग रहा है थोड़ा। अगर फोनिक्स ने अपनी स्किल्स सही जगह पे टाइम पे ओपन कर ली तो फोनिक्स है पावरफुल, अगर डॉक्टर सेन दोनों कंपेयर है तो एक जिस तरीके मतलब लगभग सेम ही पड़ते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे, जैसे अभी मैं बोलूँगा कि वर्ल्ड बॉस में, वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में कुछ स्टेजेस में कुछ जगह पे फोनिक्स ज़्यादा पावरफुल है, वैसे डॉक्टर सेन से ज़्यादा ही पावरफुल है फोनिक्स, बहुत ज़्यादा। थानोस, मेरे पास भी थानोस है लेकिन फुल अपग्रेड नहीं है, अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है गोल्ड की कमी की वजह से। गोल्ड में ला सकता हूँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेडपुल का एपिक कास्ट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए क्लियर टिकट बचा के रखनी है। और देवशीष नाम के एक चैनल पे गार्ड ब्रेक क्या होता है वो भी बताया है, गार्ड ब्रेक होता है कैसे कैसे वर्क करता है वो भी बताया है, तो वो भी जाकर वीडियो देख लो, बहुत काम आएंगे आपकी। और इसके कुछ ग्रुप मेंबर मैसेज कर रहे हैं, जरा मैसेज भी चेक कर लो क्या बोल रहे हैं। नहीं, स्पाई टेस्ट नहीं देना किसी को, आई स्वेट। फिर से वही टीम आती है बार बार, वाह क्या टीम मिली है, चलो धोता हूँ इसको पकड़ पकड़ के।
कुछ कैरेक्टर ऐसे है जिनका लीडरशिप बहुत काम आता है, जैसे एशियंट वन, हेला, दो तीन कैरेक्टर है और फिजिकल अटैक वाले बीस्ट वगैरह, तो उनका लीडरशिप काम में आता है बहुत। टाइमलाइन बटन नहीं बोल रहा, बाकी स्टेजेस में जहाँ पे आपको यूज़ करना है। चलो खेल ख़त्म बेटा, तेरा भी खेल ख़त्म करने वाला हूँ मैं। ओनली 15 मिनट, 15 मिनट है मेरे पास। ओहो, दर्शन हो गए आखिरकार, स्ट्राइक के दर्शन हो ही गए। चलो लड़ लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैंने देवशीष के नाम पे चैनल पे मैंने देखा कि मेरे अच्छे फ्रेंड है, उनने ये बताया कि जो स्ट्राइफ है इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन डिफेंस जो सिस्टम है उसका बहुत वीक है। तो इसको अटैक से बचो जाएंगे, लेकिन बच गए तो हमारा भी अटैक बहुत पावरफुल होना जरूर चाहिए। उसका डिफेंस सिस्टम तो कम है, तो उस वजह से उसको हराना आसान है। मेरा आईफोन काम कर जा जी, जल्दी से आईफोन काम कर जा मेरा। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा मैं मर गया था। देखा स्ट्राइक का एक ही अटैक पूरा कितना खतरनाक था। ये क्या हो रहा है, मेरा कैप्टन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये अक्सर होते रहता है मेरे साथ, पता नहीं कैसे हो गया लेकिन हो गया। इसका थोड़ा पता लगाना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक कैरेक्टर चेंज कैसे हो गया, टैग आउट कैसे हो गया। चलो डॉक्टर डेडपुल का एपिक कास्ट भी हो गया कंप्लीट। पार्ट का नाम देना पड़ेगा, पार्ट का नाम भी याद नहीं है मेरे ख्याल से 10, 11। ओहो, बच गया। अच्छा वो मैंने रिसर्च कंप्लीट करके रखा था, 2881 फोनिक्स विदर और मार्कशॉट क्रिस्टल 2000 कुछ था, मैंने ठीक से देखा नहीं, तो वो देखना, कनेक्शन कर लेना। और ये सब आपको कलेक्शन मिलेगा आपको डेली मिशन में से, जो स्टेज है साइकोलॉग की उस स्टेज में से, वहाँ से मार्कशॉट मार्कन क्रिस्टल वहाँ से ले लो। और उसके बाद में फिर डेडपुल के ट्रैकिंग सिस्टम है, ट्रैकिंग स्टेज है, वहाँ से चार स्टेज है, रॉक की होगी, बीस्ट की होगी, साइक्लॉप की होगी और स्ट्रॉन्ग की होगी, चार पांच स्टेज। तो वहाँ से जाकर वहाँ से वो फोनिक्स फिदर और मटेरियल वहाँ से कलेक्ट करो। उसके बाद में कुछ प्लेयर्स अभी भी नए नए हैं, तो जिन्हें अगर मैग्नेटो पैक नहीं खरीदा होगा तो देख लेना, सोच समझ के खरीदना। और वैसे डेडपूल के एपिक कास्ट में तो दिया हुआ स्टेज जहाँ से आपको मार्कशॉट क्रिस्टल मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर है। मैं अभी क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे डेडपूल का क्या है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर मार्कशॉट क्रिस्टल और फोनिक्स फिदर है, यहाँ पर यहाँ से आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक्स मैन का ये दो, यहाँ पर दो स्टेजेस है डेडपूल के, तो यहाँ पर आयसोट मिल रहा है, साथ में आपको ये क्रिस्टल मिल रहा है, तो ये आपको क्रिस्टल के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बाद में दो स्टेज नहीं भी खेलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से ये दो स्टेज ये रेगुलर आपको खेलना पड़ेगा, अगर आपको 5 स्टार और 4 स्टार अपने कैरेक्टर को पावरफुल बनाना है, रैंक अप करना है, तो डेली खेलना ही पड़ेगा। डेली बायोमेट्रिक्स आपको लेना ही लेना है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। चलो वापस से डेडपूल के एपिक कास्ट पे आता हूँ, मेरे पास कितना टाइम है, सिर्फ 10 मिनट है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। उसके बाद में क्या बोल रही है, मैं पढ़ा नहीं। 10 टाइम्स स्पेशल मिशन क्लियर करना है, चलो करते हैं क्लियर। मैं गया और मैंने यूज़ कर लेता हूँ, एक मिनट
ये भी रिवॉर्ड आप सबको मिल गया होगा। देखो यहाँ पर 6 स्टार को जो सेक्टर मिला उसमें कितने बायोमेट्रिक्स मिलते हैं, 256 बायोमेट्रिक्स मिले। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ कि जो 300 बायोमेट्रिक्स जो सेक्टर मिलता है, सॉरी जो ऐसे फ्री में हमको मिला, जैसे ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्टार लॉर्ड, इसके पहले जो अपडेट आया था उसमें स्टार लॉर्ड का था, उसके पहले अपडेट में आयरन मैन का था, हल्क का था, तो ये सब जो इवेंट्स हमको मिलने वाले बायोमेट्रिक सेक्टर जो हमको स्टार लगे हुए मिलेंगे 6 स्टार के, तो इसमें जो है वो 256 से बायोमेट्रिक्स मिलने वाले या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो उसका हमको पूरा फ़ायदा उठाना है, कहाँ कैसे बाद में बताऊँगा। सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ, पहले टीम सेट कर लेता हूँ, अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो बच जाऊँगा मैं। और ये मैंने 10 टाइम्स क्लियर कर लिया। रोज़ ट्राई कर रहा हूँ, सीटीपी मिल जाए, लेकिन सीटीपी कोई मिलता नहीं है। गेट डेमेशन चेस्ट 6 स्टार आईसोएट, सर्च इज फॉर मिसाइल। अरे यार शिट, ये कहाँ भेज दिया, अब क्या करूँ। अब तो मेरे पास एनर्जी भी चाहिए ढेर सारी, इसी का डर था। चलो देखते कैसे करना है कंप्लीट। मैं इसको मेरे ज़्यादातर प्लेयर को देखा कि वो मैक्सिमम 60 लेवल पर कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा कम लेवल पर करके देखता हूँ, अगर एक काम किया तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं क्या करना है, आगे का प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। सिर्फ 3 दे रहा है, एक बार बड़े लेवल पर करके देखता हूँ क्या होता है। थोड़ा सा बड़े लेवल पे एक मिनट 10 टाइम्स करके देखता हूँ। इसकी तो मुझे इन्वेंटरी खाली करना है जल्द से जल्द, जितना हो सके उतना, थोड़ा समय लगेगा, मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्या करें, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ना। जल्द से जल्द खाली करना है इन्वेंटरी, बहुत सारा कचरा मैंने जमा कर रखा है। माइंड डैमेज मैक्सिमम एचपी सेकंड्स में 101 डैमेज का प्राइमेज ब्लॉक है यहाँ पर, इसका क्या है, रिकवरी रेट, लाइटनिंग रेसिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ 10 टाइम्स, देखता हूँ क्या होता है। ओनली सिर्फ दो मिले, तो यहाँ पर बिग विस में स्टेज में मैं नहीं करूँगा, कम से कम लोएस्ट इसमें ट्राई करूँगा। अभी मेरे को चाहिए एनर्जी ढेर सारी, तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेंगे, अब थोड़ा सा वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया मेरे सामने। यहाँ से भी अभी कितना, सिर्फ 1 मिला,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड लगने वाला है, एक बात ध्यान रख लो। ये करते समय आपको बहुत मेहनत लगने वाली है और बहुत सारी एनर्जी, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना। मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, शायद हो सकता है कि 2-3 दिन लग जाए, क्योंकि मैं नॉर्मल तरीके से खेलने वाला हूँ। चाहूँ तो एक्सटेंड तरीके से भी खेल सकता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से करना चाहता हूँ, नॉर्मल प्लेयर की तरह। 9, अभी और बचे 40। पंद्रह मिल गए, तो कम से कम स्टेज पे यहाँ पर करना है क्लियर। बिग लेवल पे नहीं करना है, सिर्फ कम से कम स्टेज पे करना है। तो यहाँ पर डिमेंशन ड्रिफ्ट जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट आएगा, मैं उसको नेक्स्ट आपको करके दिखाऊंगा, एक बाय एक, पार्ट बाय पार्ट। और ये रिसर्च कंप्लीट करते मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कल दोपहर में, ठीक है, थैंक यू।